2019 में आई कैट ही मैंने तो नहीं देखी थी और इसीलिए उसका रीमेक भोला मैं थिएटर में देख कर आया। सवाल ये है कि तुम क्यों नहीं देख कर आए हो? फिर तुम रोओगे कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्म्स नहीं बनती हैं। दृश्यम 2 के बाद अजय देवगन और तबू वापस से बड़े पर्दे पर आ चुके हैं कैटी के रीमेक के साथ जो कि है भोला। अब क्योंकि मैंने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है बट मैंने उसके बारे में काफी ज्यादा तारीफ सुनी है तो ये मूवी ओरिजिनल से बेटर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितनी तारीफ कैटी की जाती है मैं इस मूवी की नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लॉज है। उसके बावजूद मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगी है और कुछ चीजें इस मूवी की है जो बहुत अच्छे से उभर कर बाहर आई है एंड डेफिनेटली ये मूवी आपको थिएटर में देखनी चाहिए थी। क्यों नहीं देखी अभी तक? चलो सबसे पहले बात करते हैं मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, स्टाइल। ये मूवी अजय देवगन ने डायरेक्ट करी है और इससे पहले उन्होंने शिवाय और रनवे 34 डायरेक्ट करी थी और वो दोनों फिल्म्स मैंने नहीं देखी थी, लेकिन सिर्फ ये मूवी देखकर ही मैं बोल सकता हूँ कि वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। इस मूवी का एग्जीक्यूशन सच में बहुत प्यार से किया गया है और मूवी में ना एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है जो मुझे बहुत पसंद आया, फिर चाहे वो कलर ग्रेडिंग का हो, फिर चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक का हो या फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी से आ रहा हो। ये तीनों चारों चीजें मिलकर ना एक बहुत ही यूनिक सी फिल्म बनाती है, एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जो कि एक्चुअली इस मूवी को बहुत ज्यादा सूट किया है। इस मूवी के ना कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिनको देखकर आपको सच में मैड मैक्स जैसी मूवीज की याद आती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मूवी उस लेवल की है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस मूवी के उन सीन्स को देखकर डेफिनेटली आपको लगता है कि हाँ इसमें ट्राई किया गया है कुछ यूनिक करने का। पॉइंट नंबर 2, द सेटअप। इस मूवी की जो स्टोरी है ना, जो सेटअप है वो इतना ज्यादा अमेजिंग है ना कि जो फर्स्ट हाफ है वो कब शुरू होता है और कब खत्म होता है आपको पता ही नहीं लगता। मूवी के अंदर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अगर मूवी के एंड तक वो पेसिंग बनी रहती ना भाई साहब मजा आ जाता, अनफॉर्चुनेटली। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, स्टैंड आउट मूवमेंट्स। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये मूवी कोई बहुत ही ग्रेट मूवी नहीं है बट डेफिनेटली इस मूवी के अंदर बहुत सारे ग्रेट मूवमेंट्स हैं। मूवी के अंदर काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा क्रिएटिव है इंडियन सिनेमा के हिसाब से और डेफिनेटली ये मूवी एक प्रॉपर कमर्शियल मसाला मूवी है तो उसके अंदर वो वाले काफी मूवमेंट्स है जहां पर आपको थिएटर में बैठ के हूटिंग करने का मन डेफिनेटली करेगा। एक सीन के अंदर एक गुंडे को थप्पड़ पड़ता है और उसके दांत टूट के स्क्रीन के बाहर आते हैं 3D में, भाई काफी बढ़िया था वो। एक बोनस स्ट्रॉन्ग पॉइंट मूवी का ये है कि इस मूवी के अंदर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है करछी का, तो जिस भी एक्टर ने उसे प्ले कराया ना वो एक्चुअली बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है और मूवी को काफी एलिवेट करता है। अब बात करते हैं मूवी के कुछ वीक पॉइंट्स के बारे में जो अगर नहीं होते ना तो ये मूवी एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। वीक पॉइंट नंबर 1, क्रिंज एलिमेंट्स। मूवी के अंदर एक जेल का सीक्वेंस है जहां पर भोला का इंट्रोडक्शन किया जाता है तो वो पूरा सीक्वेंस काफी अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर एक कैरेक्टर होता है जो कंटिन्यूअसली भोला के बारे में हमें बता रहा होता है, तो वो जो बताना है ना, वो जो एक्सपोजिशन है वो क्रिंज होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। इसके अलावा जो विलन का भी इंट्रोडक्शन होता है ना वो भी काफी ज्यादा क्रिंज है। दीपक दोब्रियाल डेफिनेटली बहुत अच्छे एक्टर है बट इस मूवी के अंदर उनका जो कैरेक्टर है ना वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, ज्यादा ही था, मतलब क्रिंज था और हो चुका है वो पहले। और इसमें ना एक्टर की इतनी गलती नहीं है, वो कैरेक्टर लिखा ही इस तरीके से गया है तो उनको ऐसे ही परफॉर्म करना पड़ा, काफी क्रिंज था। और हाँ, मूवी इसके अंदर एक बंदा 10 जनों को पीट सकता है और हमें वो बिलीव करना पड़ता है, लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ मूवमेंट्स ऐसे डेफिनेटली थे जहां पर मुझे लगा था कि बेटा बहुत ही ज्यादा हो रहा है। वीक पॉइंट नंबर 2, कमर्शियलाइजेशन। मूवी के स्टार्टिंग में जबरदस्ती आइटम सॉन्ग को घुसाया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आइटम सॉन्ग मूवी में होना चाहिए। अरे भाई नहीं जरूरत है तो मत डालो ना, फालतू में चीजें घुसेड़ने की क्या जरूरत है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज जो मुझे पर्सनली ना हर्ट करी थी, ऐसे दुख हुआ था मेरे को, वो ये है कि भोला का जो कैरेक्टर है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत ही इंट्रीग करा था और मैं चाह रहा था कि उसके पास्ट के बारे में ज्यादा ना बताया जाए क्योंकि मूवी इसके अंदर कई बार ऐसा होता है दैट सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट बिहाइंड विदाउट गिविंग एनी रीजन फॉर इट। तो भोला की जो सुपर नेचुरल सी ताकतें थी, उसका जो बिहेवियर था, जो मिस्ट्री थी उसकी, वो मिस्ट्री रहने देते ना, जबरदस्ती उसका बैक स्टोरी दिखाया है, क्लीशे सी एक स्टोरी दिखा दी गई है और बहुत ही स्लो कर देती है मूवी को। मूवी बहुत ही सडनली फर्स्ट हाफ इतना अच्छा जा रहा होता है, सडनली मूवी बहुत ही ड्रैग करने लग जाती है और इन सब चीजों के कारण ना मूवी 2.5 घंटे की हो जाती है और डेफिनेटली मूवी अगर 2 घंटे की होती ना और फर्स्ट हाफ जैसी पेसिंग अगर होती सेकंड हाफ में तो बहुत बेनिफिट करता मूवी को। पॉइंट नंबर 3, द क्लाइमेक्स। इस मूवी के वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी अजय देवगन का उसकी बेटी के साथ में जो रिलेशन था। एक बाप जो अपनी बेटी से कभी नहीं मिला है उसके इमोशंस को मूवी ने काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया, लेकिन एंड में आते आते ना जब वो सीन फाइनली आया भाई सत्यानाश हो गया मूवी का। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि
जल्दबाजी में किया, मतलब नहीं लिया उन्होंने टाइम उस चीज को बिल्ड करने के लिए। वो बहुत ही, उसका जो पे ऑफ था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और क्योंकि मूवी के अंदर पहले ही इतने बढ़िया बढ़िया और अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस आ गए थे, जो क्लाइमेक्स का जो रेवलेशन होता है ना, एक और क्लाइमेक्स का जो फाइट होता है, वो फीका पड़ गया क्योंकि हमने देख लिया उससे पहले ही, हम थक गए उससे अब। तो हाँ, ये कुछ चीजें थी जो इस मूवी के अंदर मुझे काफी बॉदर करी, और ज्यादा बॉदर इसीलिए करी क्योंकि मुझे मूवी पसंद आ रही थी। तो ये सब चीज जब हुई तो मेरा मूड थोड़ा खराब हुआ, बट उसके बावजूद आई थिंक ये मूवी ज्यादा अप्रिसिएशन डिजर्व करती है। मान लिया कि ये रीमेक है, लेकिन रीमेक बनाना हर बार कोई बुरी चीज नहीं होती अगर आप उसमें अपना एक फ्लेवर ऐड करते हो। भोला में डेफिनेटली खुद का एक फ्लेवर था, खुद का एक टोन था। सो आई एम गोना गिव दिस मूवी एन 8 out of 10, एंड आई डेफिनेटली थिंक कि आपको थिएटर में जाके ये मूवी अभी भी देखनी चाहिए और इस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने कैट ही देखी हुई है, या फिर आपने भोला देखी है, या फिर देखने जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए। बाकी तो खाओ पियो, हंसते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंटली मूवीज देखते रहो।